खबर बाईसी में आप सबका स्वागत है। अब खबर विस्तार से। यूपी के अंबेडकर नगर वुलन मार्केट में लगी आग, 27 दुकानें जलकर राख, 2 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने की संभावना। यूपी के अंबेडकर नगर में मुख्यालय के जुड़वा शहर कस्बा शाहजादपुर के अकबरपुर शीत ग्रह के अंदर लगी बुस्टिन वुमेन मार्केट में शुक्रवार की देर रात्रि को भीषण आग लग गई। आग की लपेटों की चपेट में आई सभी 27 दुकान जलकर राख हो गई। 2 करोड़ से अधिक का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शाहजादपुर कस्बे में सहकारी कोल्ड स्टोरेज परिसर में ठंड के मौसम में अन्य प्रांतों से आए तिब्बतियों की ऊनी कपड़ों से सजा बुद्धिस्ट वुमेन मार्केट लगी थी। मार्केट में 27 दुकानें ऊनी कपड़ों से सजी हुई थी। रात्रि करीब 11 बजे जब मार्केट पूर्ण रूप से बंद हो गई, अचानक आग की चपेट उठनी शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे मार्केट आग का गोला बन गया। आग की चपेट में सभी दुकानें जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दमकल कर्मियों से ने आग की लपेटों को काबू करने का प्रयास किया, मगर कोई सफलता नहीं मिल पाई। बताया जाता है कि जब मार्केट बंद कर दी जाती थी तो बिजली की आपूर्ति भी ठप कर दी जाती थी। घटना के समय भी बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी, इसलिए अचानक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि प्रति दुकानदार के काउंटर पर 9 से 10 लाख रुपये का सामान था। लगभग सभी दुकानों का मिलकर करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। आग लगने की समुचित कारणों का पता नहीं चल सका। आग लगने से सब कुछ खत्म हो जाने से दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। भूमि विवादों में बदमाशों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खरीदाबाद गांव स्थित संत कबीर कॉलेज रोड में एक निजी विद्यालय के निकट शनिवार को भूमि विवाद को लेकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पूरे इलाका गोली के गुंज से गूंज उठा। काफी देर तक लोगों की अफरा तफरी मची रही। हालांकि फायरिंग की इस घटना से कोई जख्मी नहीं हुई। फायरिंग करने के बाद बदमाश भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल का जायजा लेने के साथ गोली के 6 खोखे बरामद किए। ग्रामीण ने बताया कि शनिवार करीब 7 बजे संत कबीर कॉलेज के पास एक निजी विद्यालय के निकट करीब 8-10 हथियारबंद लोग पहुंचे और अचानक फायरिंग करने शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद आसपास के लोग जान बचाने के लिए अपने घरों में छिप गए। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुलिस घटना पर स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि बदमाश फायरिंग करते हुए खेत के रास्ते भाग निकले। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 2 पक्षों के बीच भूमि विवाद है, इसी को लेकर यह घटना हुई है। मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने बताया कि राजीव कुमार और मुकेश राय समेत कुछ लोगों में भूमि विवाद को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा था। इसी को देखते हुए पुलिस इसकी जाँच में जुट गई है।